नमस्कार, मैं अरुण, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का आमजन तक पूरा लाभ पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य मानकों की जानकारी बैंकों की शाखाओं में बोर्ड के माध्यम से दी जाए। वहीं लोन के आवेदनों की अधिक समय पर पेंडेंसी ना हो, इसके लिए आवेदन के बाद लोन स्वीकृति होने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 5 सालों में राज्य की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए विभागों और बैंकों को भी समन्वय से कार्य करने होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि जिलों और बैंक स्तर पर बैंकर समिति की नियमित बैठक हो। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, आने वाले समय में राज्य के हर क्षेत्र में प्रगति हो, इस दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमारी SLBT बैंकर समिति की जो बैठक है, ये प्रत्येक 3 माह में होती है और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं जो भारत सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है। मुद्रा बैंक की योजना है, स्वनिधि योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएँ हैं, उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है, उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है। और अभी तक जो इस वर्ष का समय है, उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बढ़ाएँ और ज़्यादा हम उसमें प्रगति करें।